It is based on conservation of atoms during the reaction. That is, atoms of an element cannot be created nor be destroyed during the change. जितना लिखा है बोर्ड पे जल्दी से कॉपी करो। सर वो आपने एक्स लिखा है क्या? इनटू किया है, अब इसके आगे नंबर्स लिखना बाकी है। चलो देखो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एटम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। वी कैन नॉट क्रिएट एटम, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एटम। एटम
फ्रॉम एन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड. यहाँ पे ऑक्सीजन KClO4 में था, यहाँ पे KClO2 में चला गया, बट एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे हम कभी ना, क्रिएट कर पाएंगे. Number of atoms of an element in the reactant side must be equal to number of atoms of the same element in the product side. Balancing of equation is not required. Even if balanced reaction is given, we don't need to use coefficient. Clear? अब oxygen के जितने atoms यहाँ पर होंगे reactant side में, उतने ही atom total atom product side में होंगे. तो इन दोनों में oxygen के atom निकालें, add कर दें, उतने ही oxygen के atom यहाँ पर होंगे, होने भी चाहिए. Clear? Moles of KClO4. हम निकालते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन द रिएक्टेंट साइड. वन KClO4 कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? वन मोल KClO4 फोर मोल्स इनटू 4 कर दें यहां पर, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? यस. सो दिस नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल विल गिव द टोटल मोल्स ऑफ एटम. चलो बता दो यहां पे किसका मल्टीप्लाई होगा KClO में? 1 1 1 2 2. गुड. अब कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी मोल्स के लिए, वेट वगैरह उसे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे. समझ में आया? और यहां बैलेंसिंग yes, भी होती है ना, कोई रोल ही नहीं होता इसमें. चलो ऐसे आप POSC ऑन पोटेशियम लगा के बताओ सिमिलर वे में इसी रिएक्शन पर. POSC ऑन पोटेशियम NKClO4 इनटू 1 इक्वल टू NKClO इनटू 1 प्लस NO2 इनटू 0 इनटू 1 इनटू 1 इनटू 0. सर तो फिर हमें POAC ऑन K निकालने, तो फिर हमें सिर्फ K के ही मोल्स निकालने होंगे ना? यस एग्जैक्टली. सो मोल्स ऑफ KClO4 इनटू 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO इनटू 1 प्लस मोल्स ऑफ O2 इनटू 0. 1 पोटेशियम 0 पोटेशियम 1 पोटेशियम. क्लियर है? बताओ ना. मैं और कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ. इसमें करना ये है जस्ट हमें जो भी रिएक्टेंट है उसके मोल्स लिखने हैं इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑन विच वी आर अप्लाइंग POAC. इफ वी आर अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इज 4 इनटू 4. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इज 1. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इज 2. इफ वी आर अप्लाइंग ऑन पोटेशियम, सो 1 मोल ऑफ 1 पोटेशियम इज देयर इन पर मॉलिक्यूल इनटू 1 इनटू 1. हमें पोटेशियम नहीं इनटू 0. इज दैट ओके नाउ? यस सर. जनरली POAC तब हम यूज करते हैं ज्यादा, हमारे पास एक इनिशियल सब्सटेंस है, उसने कुछ रिएक्ट किया कुछ बना, फिर उसने रिएक्ट किया कुछ बना, और इन बिटवीन रिएक्शंस की हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है. हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है इनिशियल से लेके एक पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइनली उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हम POAC यूज कर लेते. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, CaCl2 and NaCl reacted with इससे रिएक्ट करवाएं, इसको करवा देते हैं, रिएक्टेड विथ H2CO3 टू फॉर्म CaCO3, which is further
converted into CaO 1.12 gram, then find percentage of CaCl2 in the initial mixture. देखो हमारे पास 10 का मिक्सचर था CaCl2 एंड NaCl का, इट इज रिएक्टिंग विद H2CO3 टू फॉर्म CaCl3. हमें ये भी नहीं पता कि रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, हमें तो इतना दिया कि CaCl2 CaCl3 बना रहा है, व्हिच इज फर्दर कन्वर्टेड टू CO. कैसे कन्वर्ट किया ये भी नहीं दे रखा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, बट CaCl3 से CO बन गया है और इसका बना है 1.12 ग्राम. मुझे पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना फिट कर रहा है the whole calcium from CaCl3 converted from CaCl2 to CaO. जितना कैल्शियम यहाँ था सारा का सारा यहाँ पे आ गया. So, इन दोनों पे POC लगा के मैं CaCl2 का वेट निकाल सकता हूँ जिससे परसेंटेज आ जाएगा इन दोनों मिक्सचर में. समझ में आया क्वेश्चन? सर आप एक बार बता सकते हो क्या फिर से? Can you repeat again? देखो CaCl2 ने रिएक्ट किया, CaCl2 NaCl का मिक्सचर था, उसने रिएक्ट किया H2CO3 से, CaCl3 बन गया कैल्शियम का. NaCl का क्या हुआ नहीं पता, तो मैं रिएक्शन तो लिख नहीं पाऊंगा अच्छे से, कौन कितना रिएक्ट कर रहा है क्या हो रहा है रिएक्शन ही नहीं पता चल रहा है. CaCl3 से फर्दर उसको कन्वर्ट किया CO में, वो भी कैसे कन्वर्ट किया वो भी नहीं दे रखा है. बट इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लिक हो रहा है द होल कैल्शियम फ्रॉम हियर कन्वर्टेड फ्रॉम CaCl2 टू CaO हियर, यहां पर और यहां पर सारा का सारा कैल्शियम कन्वर्ट हो रहा है. So calcium is conserved in these two substances. ऐसा तो सब कुछ कर रहा है, but हमें नहीं पता दूसरा substance किसमें convert हो रहा है. इसका पता और इसका bond भी है. Clear? Yes sir. अब मैं क्या लिखूँ? Moles of CaCl2 into one. क्या जितने moles calcium chloride के होंगे into one उतने ही calcium के होंगे? ऐसा होगा क्या? क्या 1 CaCl2 में 1 कैल्शियम में 1 CaO में 1 कैल्शियम में into 1 तो व्हाटएवर द मोल्स ऑफ CO उतने ही CA के मोल्स, व्हाटएवर द मोल्स ऑफ CaCl2 दैट विल बी द मोल्स ऑफ CA. यस यस. चलो जल्दी से आंसर पर चले जाओ, मुझे परसेंटेज बताना है इनिशियल मिक्सचर में. वेट कर रहा हूं मैं. क्लोरीन कैल्शियम सबका वेट पता है ना तुम्हें? हाँ हैंड रेस किया है सर, वो जो रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन है और वो हमें नहीं पता है तो फिर उस पे POAC लगाएंगे तो आंसर आएगा. ओम तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो सर? ऐसा मतलब कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमें नहीं पता है? स्टिल एक मिनट, थोड़ा सा माइक पास में रखो ना, नहीं पता चला क्या बोल रहे हो सर? हमारे पास अगर कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमें नहीं पता है तो उस पे POAC लगा के आंसर आएगा क्या? हाँ, अभी हम और भी कुछ को एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा कि कब POAC लगाना होता है, कब क्या करना होता है. सिंपल रिएक्शन है बैलेंस कर सकते हो तो फिर हम मोल मेथड, सिक्वेंशियल रिएक्शन में बैलेंस कर सकते हो फैक्टर लेवल मेथड. ऐसा रिएक्शन में बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, POAC. I'm expecting lot of answers. 27 बच्चे हैं 32 में से.
चलो moles weight 1.12 molar weight 56 weight of CaCl2 upon molar weight 111 so weight of CaCl2 aa jayega 2.22 gram percentage weight of CaCl2 upon total weight which is given 10 gram initial into 100. So I get 22.2%. 10 gram mein 2.22 gram CaCl2. So percentage ho jayega weight of CaCl2 upon total weight into 100. Is that okay? Yes, sir. Yes. चले हम आगे यस Concept of limiting reagent. Generally, when we have two or more reactant and the initial amounts are given, then we need to use this concept. Hope copy kar liya hoga sabhi ne. Main ek example leke isko acche se explain kar deta hu. Ho gaya copy? मुग्धा नमीशा कॉपी हो गया इतना यस सर ओके
Limiting reagent is the reactant which get consumed first during the reaction. Excess reagent which remains unreacted, ऐसा नहीं कि 100% कुछ part unreacted after the completion of reaction. चलो यहाँ पे हम लेते हैं N2 का 1 mole, 3 mole. So मैं अच्छे से पता है 1 mole can react with 3 mole to produce 2 moles. कोई problem नहीं यहाँ पे. अब मैं इसके 1 mole के बजाय या इसके 3 mole के बजाय मैं ले लेता हूँ 5 mole. 1 mole can react with 3 moles. इसका जब 1 mole react करेगा तो बचेगा 0. 1 कितने से react करेगा? 3 से. तो इसका बचेगा 2. क्या अब ऐसा possible होगा जब 100% nitrogen react कर चुका है, after consumption of nitrogen can reaction give ammonia on reaction with this reaction, with the help of this reaction can be produce some more amount of ammonia? Nitrogen बचा ही नहीं. क्या reaction further proceed होगा क्या? No, sir. Nice. No, sir. तो reaction नहीं होगा, तो reaction खत्म हो जाएगा, complete हो गया. क्योंकि कोई भी reactant यदि consume हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके बाद तो reaction आगे ही नहीं रहेगा. क्या reaction के बाद इस reactant का कुछ amount बचा हुआ है? Yes, sir. तो excess reagent nitrogen होगा या hydrogen होगा? कौन सा excess reagent होगा? Hydrogen. Hydrogen, good. और nitrogen कौन सा reagent होगा? Limiting. अरे दोनों stoichiometric coefficient ratio में दिए होते हैं, तो दोनों limiting होंगे, दोनों एक साथ consume हो जाएंगे. But एक दोनों stoichiometric coefficient में नहीं है, तो एक limiting existence में हो जाएगा. या? अब क्या ammonia 2 moles बनेगा? One reacted with 3 moles to produce 2 moles. So इसके 2 moles बने हैं, वो किसने decide किए हैं? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसने डिसाइड की है क्या? यस यस यस. लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो गया, क्लियर? क्या रिएक्शन अब वहीं पे रुक जाएगा? हां यस सर. तो यहां पे रिएक्शन रुक जाएगा, जैसे ही नाइट्रोजन कंज्यूम होगा रिएक्शन रुक गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट कर रहे हैं. इसके 1 mole ने 3 mole डिसाइड किया, ना कि इसके 5 moles पूरे रिएक्ट कर रहे हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट लेफ्ट 0. लिमिटिंग रिएजेंट है जो डिसाइड करेगा कितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा. इज दैट ओके? क्लियर? यस सर. चलो चाहो तो यहां पहले लिख लो 1 mole, 5 mole. T equal to zero मतलब initial moles दिए हमें, moles one लिए इसके 5 लिए, ठीक है? After reaction one में से 1 react किया 0 बचा, 5 में से 3 react किया 2 बचा, इसके 2 बन गए, ठीक है? ये होते हैं initial moles. इस वे में लिखा जाता है initial moles, these are the moles reacted and these are the moles remaining after reaction. This is a way to write reactions, consumption of reactant and product. So yahan par ye ho gaya moles reacted, ye ho gaya moles remaining, aur yahan par ye ho gaya initial moles, right? Initial moles minus reacted equal to remaining. यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा N2, एलान, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट. चलो एग्जांपल को, कौशिकी, शोनक, तेजस, यश, पाटिल, इनमें से कोई प्रेजेंट तो नहीं है अभी? सर कौशिकी सर. हाँ ठीक है.
32 स्टूडेंट है, 33 है तुम्हारे क्लास में, कितने बच्चे हैं? 32 अब क्वेश्चन आता है क्या सर, हमेशा हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कौन सा लिमिटिंग है, कोई मेथड है? चलो ये तो सर सिंपल केस था, दो ही रिएक्टेंट है, 3, 4, 5 रिएक्टेंट सर गिवन, सब रैंडम नंबर सर गिवन, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो भी देख लेते हैं हम। लिमिटिंग रिएजेंट कुछ पॉइंट्स हैं, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस amount of limiting reagent left after the reaction is zero. That means there is no amount left for limiting reagent after completion of reaction. If the reaction complete ho jayega, the limiting reagent amount left will be zero. Method to find limiting reagent. Reactant which has the smallest value of initial moles जिस भी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो यदि इसका 1 मोल होता है इसका 3 मोल होता है, 1 बाय 1 3 बाय 3 दोनों के मोल्स बाय कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में इसका 1 है इसका 5 है, तो 5 बाय 3 दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट क्या तो सारे लिमिटिंग एजेंट में काउंट हो जाएंगे, सब एक साथ कंज्यूम हो जाएंगे। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. It comes into picture when two or more when initial amount of two or more reactants are given. चलो अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं देता हूं, फाइंड मोल्स ऑफ ए बी सी डी ई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो फिर हमें बताना है कि कौन सा उसमें प्रेजेंट है कौन सा नहीं है।
मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं 2a प्लस 7b प्लस 3c गिविंग 5d प्लस 2e. नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एट t इक्वल टू 0. इनिशियली इनके मोल्स दे रखे हैं t इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट कर. तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 15, 45, 18. सो इनिशियल मोल्स आर गिवन फॉर दिस थ्री रिएक्टेंट. तुम्हें ये बताना है सबसे पहले कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, उसके बाद सारे एबीसीडी के मोल्स निकालने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कोई मुझे बताएगा होमवर्क में क्या दिया था? सर सेक्शन ए बी और सी. सेक्शन ए बी सी. यस सर पार्ट वन एक्सरसाइज. I am taking attendance. तुम्हें yes no बोलते जाना है ना. आंचल पाटिल. Yes sir. अनिरुद्ध. Yes sir. अर्णव. अर्णव. मैं absent लगा दूँ जो भी नहीं बोलेगा ध्यान रखना. हाँ इसके बाद है चैतन्य. यस सर. ईशान. यस सर. ईशानी. जयवर्धन. यस सर. यस सर. कौशिकी. क्रेश. यस सर. क्रेश. क्रेश चौधरी. कैन यू हियर मी? लीजा. मानस. मानस अग्रवाल इज प्रेजेंट और नॉट? मंदार. मनोली. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. मुग्धा. नमिषा. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. ओम. पार्थ. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. प्रणव. पवार. प्राप्ति. प्रेजेंट सर. यस सर. प्रथमेश महाजन. प्रथमेश अभाले. यस सर. प्रेजेंट सर. शोनक. शोनक इज नॉट देयर. शोनक के बाद है श्रेया. प्रेजेंट सर. सिद्धेश. प्रेजेंट सर. सिद्धि.
Present, sir. Both Siddhi, Siddhi, Suryavanshan, Siddhi, both sides. Present, sir. Smira. Present, sir. Soham. Yes, sir. Tejas. Tejas is not there today, right? Urvi. Urvi is also not there. Vedant Nikam. Present, sir. Yash Patel. ठीक है चलो और ये अटेंडेंस के बाद भी भाग पर जाना, दो मिनट रुक जाओ ना, मतलब पता नहीं कहाँ इतनी जल्दी हो रही है। 15/2, 45/7, 18/3, यू कैन क्रॉस चेक दिस, दिस वन विल बी द लिमिटिंग एरिया। ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, सबसे छोटा 6 आ रहा है, 7.5, 6 पॉइंट समथिंग। क्या इतना क्लियर है हमें? Yes. अब हमें बताना है इसका अमाउंट तो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ए और डी कितने रिएक्ट करेंगे, डी और टी कितने प्रोड्यूस होंगे, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट मोल मेथड लगा देते हैं, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड ये 100% रिएक्ट करेगा, अमाउंट लेफ्ट विल बी 0, मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ ई प्रोड्यूस बाय कोफिशिएंट, सो सी विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मोल मेथड बैलेंसिंग। अच्छा लिमिटिंग एजेंट में बैलेंसिंग मस्ट है ना, बिना बैलेंसिंग के लिमिटिंग एजेंट तो नहीं निकाल सकते, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इन दोनों को इक्वेट किया 12, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड 7, 6 are 42, मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस 6 into 5 30, मोल्स ऑफ ई प्रोड्यूस 12, तो इतने मोल्स रिएक्ट किए, इतने मोल्स प्रोड्यूस हुए, कितना बचा है रिएक्शन के बाद वो भी देख लेते हैं हम। Twice of A plus 7B plus 3C giving 5B plus 2E. So, इसके moles हैं हमारे पास 15, 15 में से 12 react किए, बचे 3 remaining moles. 45 में से 42 react किए, बचे 3. 18 में से 18 react किए, बचे 0. D के produce हुए 30, E के produce हुए 12. जो circle हैं, moles remaining after the reaction. क्लियर है? यस। होमवर्क मैं ग्रुप पर पोस्ट करता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट के अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर तुम्हें थोड़ा ज्यादा होमवर्क दूंगा, राइट? यस सर। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं मैं।